एक समय की बात है, एक मेंढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय एक सांप वहां से गुजर रहा था। सांप की नजर उस मेंढक पर पड़ जाती है। सांप सोचता है, चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ, और सांप उस मेंढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह में भर लेता है। अब स्थिति ये है कि मेंढक के शरीर का पीछे का आधा हिस्सा सांप के मुंह में है और आगे का आधा हिस्सा मुंह के बाहर। तभी उस मेंढक के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई आती है और मेंढक सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी उस मक्खी के खाने के लिए अपने जीव बाहर निकालती है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं कि आदत से लाचार होना। एक मेंढक जो सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने आने वाली मक्खियों को खाने के लिए जी बाहर निकालती है। ये उसकी आदत है जिससे वो अपनी मौत के सामने देखते हुए भी छोड़ नहीं पाता। ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है। समय रहते हुए आप अपनी बुरी आदत को बदलें, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे।